हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जी हाँ दोस्तों, लगभग सारे बच्चों का एक ही कमेंट आ रहा था कि सर मेरे जो रिजल्ट हैं वो नो चेंजेस लिखा रहे हैं, अन्यथा या कहने का मतलब है कि पहले का मार्कशीट ही दिखा रहा है। तो दो तीन बातें समझाऊंगा आपको वीडियो में, वीडियो को स्किप गलती से भी मत करना। देखिए, हम लोग आपकी हेल्प इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप लोग 5 मिनट की वीडियो में 1.5 से 2 मिनट देखकर और चले जाते हैं और सोचते हैं जानकारी पूरी मिल गई, जबकि मेन बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग लास्ट में बातें बताते हैं, या कुछ बातें ऐसी इंपॉर्टेंट होती है जो हम लोग बीच में बताते हैं जो आप लोग छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो 2 से 3 मिनट वीडियोज़ देख लिया करें। वीडियो में तो ये तो जानने वाली बात है कि इसमें डांस वगैरह होगा नहीं, तो जो बातें होंगी वो जानकारी के लिए ही होंगी। तो सबसे पहले कि स्कूटनी के रिजल्ट आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, आई होप कि चेक करते रहते होंगे, दिन में 4 से 5 बार चेक करते रहते होंगे। मैं एक स्टूडेंट का रिजल्ट आपको चेक करके दिखाऊंगा जिसका 40 मार्क्स बढ़ा है, और एक स्टूडेंट का ऐसा भी दिखाऊंगा जल्दी जल्दी से, वो लास्ट में, ताकि इंपॉर्टेंट बातें पहले बता देता हूँ, लास्ट में बताऊँगा जिसका नो चेंजेस हुआ है, और एक ऐसा दिखाऊँगा जिसमें चेंज ही नहीं हो रहा। आपको ये बताना रोल कॉल रोल शॉट के साथ कि आपका चेंज हो रखा है या नहीं चेंज हो रखा है, या सो ही रिजल्ट नहीं हो रहा, यानी आपका रिजल्ट ही फाउंड वहाँ पर नहीं हो रहा है। तीन बातें हैं, तीनों बातें आपको बतानी है। बातें आगे करते हैं। सबसे पहले कि स्कूटनी का रिजल्ट, देखिए स्कूटनी का रिजल्ट कोई भी बोर्ड के द्वारा ये प्रावधान होता है कि 4 दिनों के अंदर अगर आपके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है तो आप अपने रिजल्ट को वहाँ पे पोस्ट कीजिए। 4 दिनों के अंदर रिजल्ट आपको वहाँ पर डालना होता है, रीपोस्ट करना होता है 4 दिनों के अंदर ही। और अगर रिजल्ट नहीं आती बोर्ड के द्वारा, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आई है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID मांग रहा है, तो रजिस्ट्रेशन ID के थ्रू भी आप लोग रिजल्ट अपना देख सकते हैं। वो सारी बहुत सारी व्यवस्थाएँ होती हैं वो प्राइवेट साइट पर होती है। जब सरकारी साइट पर आते हैं तो आपको रोल कोड रोल नंबर कभी कभार डेट ऑफ बर्थ ही मांगता है। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि आपके रिजल्ट तो बोर्ड के द्वारा धोखा किया गया, कि बोर्ड ने बोला था कि कॉपी हम लोग रीचेक करेंगे बच्चों का, जबकि रीकाउंट करके धर दिया गया, यानी आपका कॉपी दोबारा चेक नहीं हुआ है। स्कूटनी के नाम पे आपसे जो पैसा ऐठा गया था वो बोर्ड ने रख लिया, और मुश्किल से 100 से 150 बच्चों का रिजल्ट किसी के 10 नंबर, किसी के 5 नंबर, किसी के 40 नंबर तक बढ़ा दिए हैं, जिसको 40 नंबर तक का एक्सपेक्टेशन नहीं था उतने मार्क्स बढ़ा दिए। जबकि जिन छात्रों को लगना चाहिए, जिन्होंने जो लगभग 102 सब्जेक्ट में फेल हैं, या जिनका किसी कारण से फर्स्ट डिवीज़न छूट रहा है, या जिनका किसी कारण से अच्छे परसेंटेज छूट रहे हैं, जिनको लगता था कि नहीं सच में मेरे रिजल्ट इतने ज़्यादा आने चाहिए थे और एक्सपेक्टेशन से कम आए, तभी तो उन्होंने स्क्रूटनी किया, और उनके लगभग सभी बच्चों के नो चेंजेस ही निकाले, यानी पहले के मार्कशीट शो करें। तो ये हम सबसे पहले दिल से निकाल दीजिए कि स्क्रूटनी के रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट पूरी तरह से आ चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट कोई भी बोर्ड 4 दिन को ही अपडेट करना होता है, बोर्ड के द्वारा ये नियमें लागू होती है। दूसरी बात है जो आपको मैं समझा रहा हूँ बार बार, जो आप लोगों चीज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप लोगों को नहीं पता कि ट्वीट कैसे होता है तो सबसे पहले एक बार समझा लीजिए, हमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ट्वीट कैसे करना है ये बता दीजिए, या इंस्टाग्राम पर कैसे पोस्ट करना है ये बता दीजिए, मैं आपको एक अलग से वीडियो तक उसके लिए प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं जितनी हेल्प हो सकती है आपको करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बात समझिए कि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक मेरे साथ आप लोगों का समर्थन नहीं होगा, अकेला कोई इंसान की बातें नहीं सुन सकते। कम से कम 500 से 1000 ऐसे छात्र चाहिए जो कम से कम ट्वीट कर सके और बोल सके क्या सच में रिजल्ट बोर्ड के द्वारा जारी हो चुका है, और अगर जारी हो चुका है तो आपने कॉपी रीचेक किया या रिकाउंट किया है। मेरे ख्याल से रिकाउंट किया, अगर रीचेक करता तो मेक श्योर रखिए कि 100% मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते छात्रों के, तो मेक श्योर रखिए कि वहाँ पर रीचेक नहीं किया गया बोर्ड के द्वारा कॉपी। तो सबसे पहले ट्वीट करना चालू करिए, क्योंकि विदाउट ट्वीट आपको पता है कि अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा कि रोजगार के लिए ट्वीट भी हुई थी, बहुत सारे ट्वीट। ट्विटर ही एक अकाउंट होता है जहाँ से आप अपने बड़े से बड़े महारथियों से बात कर सकते हो, कोई भी पदाधिकारी उससे बात कर सकते हो। तो ट्वीट करना ना भूलिएगा, ट्वीट करते रहेगा, अगर नहीं आता है तो ज़रूर बताएगा, ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और दूसरी बात रही कि रिजल्ट चेक करते रहिएगा, आइए एक दो रिजल्ट आपको चेक करके बता देता हूँ जिनके मार्क्स हाल ही फिलहाल में चेंजेस हुए हैं और जिनके मार्क्स चेंजेस नहीं हुए उनका भी। तो सबसे पहले एक रोल कोड आता है वो आपको डालना है, चलिए मैं रोल कोड डाल देता हूँ, यहाँ रोल कोड है 15073, ये आपका रोल कोड, और रोल नंबर डाल देता हूँ, तो रोल नंबर है इस बच्चे का 210210210100 और 51। ये था आपका इनका रोल नंबर, और कैप्चा जरा ठीक से डालेगा क्योंकि कैप्चा भी बहुत ज़्यादा बच्चे गलत डाल रहे हैं जिस कारण से रिजल्ट ही शो नहीं होता है। आपको व्यू पे क्लिक करना है, जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो
329 यानी ये बच्चा सेकंड से सीधा फर्स्ट कर गया और इसके 41 मार्क्स गेन हुए हैं। और आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आफ्टर स्कूटनी, यानी स्कूटनी के बाद का ये आपका रिजल्ट है जो आप देख सकते हो। और दूसरा इनका सेकंड से ये फर्स्ट होंगे, जबकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो पहले से ही फर्स्ट हैं लेकिन नंबर भी अच्छा है, लेकिन उन्होंने अपना सोचा कि नंबर बढ़ जाएंगे इसके लिए स्कूटनी कराया, उसका भी दिखाई देता हूँ आपको। तो चलिए देख लीजिए, यह है आपका 91003 एंड सेकेंड रोल नंबर आप इसका इंक्लूड करते हैं तो रोल नंबर इनका है 210303 और देन उसके बाद है 53। और उसके बाद आपको इसका इंटर कैप्चा करना होता है, कैप्चा आप जोड़ के डाल सकते हैं, वो आसानी सी चीज़ होती है। और उसके बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है। अब जब आप इस पे व्यू पे क्लिक करते हैं तो इस बच्चा का आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नो चेंजेस यानी नो रिजल्ट स्कूटनी लिखा रहा है, जबकि इनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, फिर भी इन्होंने बोला है सर कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स और ज़्यादा आने चाहिए थे लेकिन नहीं आया है। तो मेक श्योर रखिए कि आपकी कॉपी रीचेक नहीं हो, रिकाउंट हो गया, रिजल्ट चेक करते रहेगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप लोगों ने अपना अभी तक वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बात कर रखा है कि आपके यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन आपके कब से एडमिशन कब से चालू हो गए, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, दिन आपका शुभ हो, धन्यवाद।